लखनपुर जल निगम की पाइप कई गांव में क्षतिग्रस्त, जलापूर्ति बाधित, किसानों के खेतों में घुसा पानी। प्रयागराज के मेजा क्षेत्र के लखनपुर जल निगम की पाइप कई गांव में क्षतिग्रस्त होने से किसान, राहगीर और जल उपभोक्ता परेशान हैं। बार बार ग्रामीणों की सूचना और खबर के माध्यम से जानकारी मिलने पर भी जल निगम की क्षतिग्रस्त पाइप न ठीक होने से ग्रामीणों में पेयजल का संकट खड़ा हो गया है। वहीं क्षतिग्रस्त पाइप से सड़क पर पानी बहने से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन मोटरसाइकिल सवार, राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वहीं क्षतिग्रस्त पाइप से पानी खेतों में जा रहा है, जिससे किसानों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द जल निगम की क्षतिग्रस्त पाइपलाइन ठीक कराई जाए, जिससे जनता में खुशहाली आए। जानकारी के लिए बता दें कि बिसैहन खुर्द गांव से हाईवे से रामनगर माता के धाम जाने वाली सड़क पर बिसैहन खुर्द गांव में लखनपुर जल निगम की पाइपलाइन लगभग एक वर्ष से क्षतिग्रस्त है, जिससे प्रतिदिन हजारों लीटर पानी सड़क पर बह रहा है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। शिकायत के बाद भी पाइप को ठीक नहीं कराया गया, इसके चलते लोगों के घरों की जलापूर्ति ठप है। वहीं लोटाड़ गांव में जगेपुर से लोटाड़ बाजार जाने वाली सड़क पर भी पाइप क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे पानी खेतों में जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये जो सड़क खराब है, तो ये पानी की वजह से खराब है, तो पानी कब से बह रहा है? पानी तो लगभग 4-6 महीने हो गया होगा, यहाँ तक हल्का हल्का निकलता था पहले, और फिर बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो ये काहे का पानी है? ये जल निगम का है, लखनपुर जल निगम सप्लाई वाला। क्या नाम पड़ेगा आपका? तो पुष्पेंद्र जी, इस गड्ढे की वजह से तो दुर्घटना भी होती होगी, क्योंकि ये टर्न ऐसा है रोड का, टर्न पे है, ये मोड़ पे है, गड्ढा हो जाता है, बाइक वाले काफी उछल जाते हैं, गिरने से बचते हैं, गिर भी जाते हैं कई लोग, और ये पानी से यहाँ किसानों की फसल भी नुकसान हो रही है। अच्छा, पानी से किसानों की फसल ही बर्बाद हो रही है? फसल कटी हुई है, गिर जा रहा है, सूखी नहीं रहा है।